स्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए तथा कृषि कार्यों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल तक कुछ अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसी श्रृंखला में गृह मंत्रालय ने 21 अप्रैल को अपने पत्र द्वारा सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन्स की बेड साइड अटेंडेंट और केयर गिवर सेवाएं एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज में प्री पेड मोबाइल कनेक्शंस की रिचार्ज फैसिलिटी भी एग्जेम्प्ट सेवाओं में शामिल है। जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, ब्रेड फैक्ट्रीज, आटा और दाल मिलों को भी छूट प्राप्त है। गृह मंत्रालय ने अपने 21 अप्रैल के आदेश द्वारा बीज और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के आयात निर्यात संबंधी सुविधाओं को, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र की रिसर्च संस्थाओं को तथा मधुमक्खी उत्पाद एवं शहद संबंधी आवाजही को छूट दी है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिक फैंस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। लाखों भारतीय मर्चेंट शिपिंग वेसल्स पर काम करते हैं, ऐसा देखने में आ रहा है कि भारतीय सी फेयरर्स लॉकडाउन की वजह से जहाजों पर स्ट्रैंडेड हैं या जहाजों पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये चिंता भी है कि अन्य देशों के सी फेयरर्स ऐसे जहाजों पर भारतीय सी फेयरर्स की जगह ले सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उनके साइन ऑन और साइन ऑफ के लिए 21 अप्रैल को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। लॉकडाउन के एनफोर्समेंट देश में कुछ घटनाओं को छोड़ अधिकांश स्थानों पर संतोषजनक चल रहा है। आर्थिक गतिविधियों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल तक मनरेगा के तहत 1.5 करोड़ से अधिक श्रम दिवस अर्जित हुए हैं। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, वहां गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करवाने में लगी हुई हैं। कई स्थानों पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इत्यादि जो पहले से ऑपरेशनल थी, उसमें भी वृद्धि हुई है। सड़क निर्माण, ईंट भट्टों, सीमेंट फैक्ट्रीज आदि से संबंधित कार्य भी शुरू हो गए हैं। कई कार्यों में प्रवासी श्रमिकों को भी रोजगार दिया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का फीडबैक लेकर उनको दूर करने के कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में होम सेक्रेटरी ने और सेक्रेटरी डीपीआईटी ने अभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग की। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज परमिटेड है उनको किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाएं और आर्थिक गतिविधियों को गतिशील करें, इस पर भी चर्चा की है। हमारे चिकित्सा क्षेत्र के भाई और बहन बड़ी निष्ठापूर्वक खुद की परवाह किए बिना कोविड-19 से हमें बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। गृह मंत्रालय ने समय समय पर इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सलाह दी है कि सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दें, चाहे वे हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हों, क्वारंटाइन सेंटर में हों या परीक्षण हेतु फील्ड में जा रहे हों। माननीय गृह मंत्री जी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा का आश्वासन दिया। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को पत्र लिखकर सभी राज्यों को कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और IMA के लोकल चैप्टर के साथ मिलकर
मेडिकल प्रोफेशनल्स को की पर्याप्त सुरक्षा हेतु जो कदम उठाने हैं उनको सुनिश्चित करें। चिकित्सा टीमों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी भी आईएमए के लोकल चैप्टर के साथ साझा करें। इससे स्वास्थ्य कर्मी विश्वस्त होंगे कि वे सुरक्षित हैं। इस संबंध में जिला एवं राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर्स को भी नियुक्त करें जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का निदान कर सके। अगर किसी भी मेडिकल स्टाफ के खिलाफ कोई भी हिंसा या अनुचित व्यवहार की घटना होती है तो दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में जनता में भी जागरूकता पैदा करनी चाहिए। हमारी उम्मीद ये है कि इन सब कदमों से लॉकडाउन सफल रहेगा, एक्टिविटीज सुचारू रूप से प्रारंभ होंगी तथा हम कोविड-19 की चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज। कल से पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो देश में 1409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, विच टेक्स आर टोटल कंफर्म केसेस टू 21,393। इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं, वह है चित्रदुर्ग कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इम्फॉल वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुड़म तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, SBS नगर पंजाब में और साउथ गोवा गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। साथ ही माननीय राष्ट्रपति जी ने कल एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को अमेंड किया गया है। इस ऑर्डिनेंस को कहा है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस के किसी भी एक्ट में इंडल्ज ना करे या एपिडेमिक के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस या नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के साथ वायलेंस कमिट करते हैं या तो उनको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही 50,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक का फाइन भी उनके ऊपर लेवी किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई किसी हेल्थ प्रोफेशनल को जो कि एपिडेमिक ड्यूटी में लगे हुए हैं उनके साथ कोई ग्रीवियस हर्ट अगर उनको देते हैं तो उसकी सजा बढ़कर 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है और फाइन भी 1,00,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक उस पर लगाया जा सकता है। इस एक्ट के तहत किया हुआ कोई भी ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है और नॉन बेलेबल रहेगा। जो भी पर्सन इस एक्ट के तहत कन्विक्ट किए जाएंगे उनको कंपेंसेशन भी पे करने के लिए वे लायबल होंगे और कंपेंसेशन जो हो सकता है वह जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी डैमेज प्रॉपर्टी की या जो लॉस उन्होंने कमिट किया है उसकी ट्वाइस द अमाउंट हो सकता है। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि हमारे जितने भी कोविड योद्धा हैं हमें उनका सपोर्ट लेना है। हमें ये जानना चाहिए कि वह सब हमारे आदर और सम्मान का पात्र हैं। इसके साथ ही आरोग्य सेतु के बारे में हम विभिन्न माध्यमों के जरिए आपसे बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं दिखाना चाहूँगा सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से
वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू सर। और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार? सर जानबूझ के थोड़ी, अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक ना पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर, भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। We are also joined by Mr. C.K. Mishra, Director ICMR and Director AIIMS. आप सब लोगों को विदित है कि कोविड की इस लड़ाई में, इस महामारी के युद्ध में गवर्नमेंट की तरफ से 11 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए थे गाइडेंस के लिए, और उसमें से एक ग्रुप, ग्रुप नंबर 4-2, जिसका मुख्य कार्य है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटीज, डिजीज सर्वेलेंस और टेस्टिंग के विषय में गाइडेंस देना, काम करना। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सी.के. मिश्रा साहब से कि फर्दर हमें बताएं प्लीज। फ्रेंड्स, प्रतिदिन उस दिन की जो स्थिति होती है, जो प्रगति होती है, जो बदलाव आते हैं, उसके संबंध में मेरे कॉलीग्स लव अग्रवाल, पुण्या श्रीवास्तव, डॉक्टर गंगा आपको आंकड़ों से अवगत कराते हैं, स्थिति से अवगत कराते हैं और आप उसका विश्लेषण करते हैं। आज हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि आंकड़ों से थोड़ा अलग हटकर हम इस बात की चर्चा करें कि इस कोविड की लड़ाई में एक, हमारी रणनीति क्या है, और दो, हमारी तैयारी क्या है। इन दो विषयों पर हम फोकस करना चाहेंगे। एज यू अवेयर, वी आर पासिंग थ्रू वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम्स। मेनी ऑफ द कंट्रीज विच आर नोन एज डेवलप्ड कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड विथ फार मोर कैपेसिटीज एंड मच बेटर रिसोर्सेज देन अस आर ऑल्सो फेसिंग ह्यूज चैलेंज। ये पृष्ठभूमि है जिसमें इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है, आज लॉकडाउन के एक महीने पूरे हुए हैं, तो इस 30 दिनों में हम कहां थे, कहां पहुंचे हैं और हमने क्या तैयारी की है, इस पर संक्षेप में मैं आपके समक्ष सारी बातों को रखना चाहूंगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इश्यू इज व्हाट हैज दिस 30-day lockdown done। मुझे ये पूरा एहसास है कि this has brought hardship to many people, but we must express our gratitude to all the people of India who are facing this hardship today so that we can save lives in future। और हमारा मूल जो मंत्र है वो है कि हम जिंदगी कैसे बचाएं और लोगों को ठीक कैसे करें। तीन प्रमुख चीज है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो 30 दिनों के लॉकडाउन में हुए हैं। पहला, वी बीन एबल टू कट ट्रांसमिशन, मिनिमाइज स्प्रेड एंड इंक्रीज द डबलिंग डेज, एज लव अग्रवाल हैज ऑलवेज बीन स्पीकिंग टू यू। सेकेंड, वी हैव बीन एबल टू कंसिस्टेंटली रैंप अप आवर टेस्टिंग। And third, we have been able to utilize this time gainfully for preparing ourselves for the future if the virus spreads further, and anyway, whatever is required to be done, we will need to do. So there has been a lot of action during these 30 days. Hazaron log, na sirf hum jo Delhi mein baithe hue hain, field mein hazaron log is karya mein lage hue hain, aur logon ne milkar और सरकार ने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसने ये सुनिश्चित किया है कि इन दीज 30 डेज
we remained more or less stable. And that is the first thing that I want to bring before you. And what one of the critical tools, ek ahem hathiyar jo humne isme istemal kiya hai, wo testing. Or when I say testing, it is RT-PCR testing, jo hume batata hai ki mareez ko bimari hai ya nahi hai. अब अगर हम टेस्टिंग को देखें तो मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा. 23 मार्च को हमने पूरे देश में 14,915 टेस्ट किए थे. ऑन द 22nd ऑफ अप्रैल वी हैव डन मोर देन 5 लाख टेस्ट. इफ यू डू अ रफ कैलकुलेशन इट इज अबाउट 33 टाइम्स इन 30 डेज. But we are conscious of the fact that this is not enough and we have to continuously go move ahead and ramp testing in this country. We will continue to do that. Humne ye bhi dekha hai aur Shri Agrawal ne bhi bataya ki is avadhi mein hamare number of positive cases mein bhi badhotri hui hai. और हमें उस बात को ध्यान में रखना है जब हम अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं या हॉस्पिटल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं. तो मैं संक्षेप में कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहूं सो दैट वी आर एबल टू अप्रिशिएट व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑलवेज कीपिंग दिस एट द बैक ऑफ आवर माइंड दैट दिस मे नॉट बी एनफ एंड वी नीड टू कंटिन्यूअसली वर्क टू डू मोर एंड मोर ऑन दिस. लेट अस लुक एट दिस. This shows the figures of these 30 days and how the number of daily tests have gone up and how the new positives have gone up. So this is what where we stand today, what we've been doing and what we've been trying to achieve. Let us now come move a little further on this and see how cases have moved in India. This is how the positive cases have moved in India. The only point that I would like to make here is that the growth has been more or less linear, not exponential. What that tells us is that there are certain strategies in work which has helped this be contained to a particular level. Now let us move on to see beyond this what has been the story of positivity to testing during these 30 days. If you see this slide carefully, what it will really tell you is that during this period we are more or less lagbhag hum usi jagah par hain jahan hum एक माह पूर्व थे. यानी स्थिति बहुत बिगड़ी नहीं है. लगभग 4%, 4.5% लोग जो टेस्ट हुए थे वो पॉजिटिव निकले थे एक माह पहले और अभी भी लगभग वही स्थिति है कि जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं उसमें से जो प्रतिशत पॉजिटिव हो रहे हैं लगभग वही है. यानी कि हम एक कॉन्स्टेंट लाइन अगर आप इसको देखें तो वहां पर हैं. अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं और हम ये देखने का प्रयास करें कि अन्य देशों की तुलना में हमारी क्या स्थिति है. इट्स अ रफ कंपैरिजन. देयर कैन बी नो वन टू वन कंपैरिजन. ईच कंट्री इज डिफरेंट एंड ईच कंट्री नीड्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी बट दिस इज रफली अ रफ कंपैरिजन दैट वी हैव प्रेजेंटेड बिफोर यू. व्हाट आई वुड लाइक टू पॉइंट एट इज दिस येलो लाइन. इफ आई कैन गेट माई पॉइंटर देयर. Right at the bottom, that is India's story. And we have deliberately taken a case of 400th case on 23rd of March. What was the position when each of these country had 400 cases and how they have moved beyond that? So this slide clearly tells us where we stand. And if you see, one of the countries which is of course done better is South Korea. But majority of the
developed countries have had a story which is, it could be a combination of various things. This is not to say that we've done extremely well and things are going, but this is the current story. And based on this current story and the future projection, we need to evolve a strategy in this country. Let me also now just mention to you, while we are here on this slide, the fact that how has it happened in some of the other countries. So let me give you some numbers of that. If you look at the figures carefully, we are today at a 500,000 mark. 5 lakh tests humne aaj kiye hain. US ne 5 lakh tests 26 March ko kiya tha. They had found 80,000 cases to be positive. I'm giving you rough numbers. Italy ne ye mark 31 मार्च को किया था एंड दे हैड 100,000 पीपल हुए पॉजिटिव, 1 लाख लोग थे. यूके में यह समय 20 अप्रैल को आया एंड दे हैड 120,000 पॉजिटिव्स. टर्की में यह समय 16 अप्रैल को आया, दे हैड 80,000 पॉजिटिव्स. इंडिया में यह मार्क 22 अप्रैल को आया और हमारे पास लगभग 20,000 पॉजिटिव केसेस थे. कहने का तात्पर्य यह है कि एक अगर वैश्विक तुलना हम करें तो वी सीम टू बी डूइंग वेल सो फार विथ अ स्ट्रैटेजी विच इज फोकस्ड एंड वेरी वेरी इंटेंसली फोकस्ड ऑन द एरियाज वेयर वी सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड एक्शन हैपनिंग. ऑफ कोर्स देयर आर अदर कंट्रीज विच हैव डन बेटर, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया हैज डन बेटर देन दिस. सो गिवन दिस फैक्ट्स, these actually, what do they show? We actually, these show that our testing strategy has been focused, targeted, and continues to expand. So that is the strategy. And this, I must say, is an evolving strategy. Because as we go on, we learn. Har din hum seekh rahe hain. हर दिन हम सीख रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव ला रहे हैं और इसको एक्सपैंड करते जा रहे हैं. अब प्रश्न यह है कि हमने ये जो एक्सपेंशन किया टेस्टिंग का, वो कैसे हुआ. ओनली थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज दैट स्ट्रैटेजी इज अ रिस्पॉन्स टू अ चैलेंज. एज द चैलेंज चेंजेस, स्ट्रैटेजी हैज टू चेंज. एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाट इंडिया हैज डन. As the challenge kept expanding, the strategy kept changing, the expansion kept happening, and we will continue to do this in future also. So what is it that we did? Some of the quick points that comes to mind is, and please let us remember that it takes huge number of people across the country to implement the strategy on the field. We are a very large nation, very populous nation. So what we have done largely is, A, expanded the testing base, B, expanded the test base where we test, and we have mobilized all resources that we have, public, private, resources of scientific institutions, resources of research institutions, resources of central university, every possible resource has been put together. And we have actually decentralized these activities to manage logistics in an efficient way. And when Professor Balram Bhargav speaks, he will give you the details of the gist that I have placed before you on how we have increased our testing strategy. So in these last 30 days, there has been a lot of activity. We have expanded our testing, which we will continue to do and bring it to a much higher level in the days to come. And we've used every possible tool as a strategy to move ahead on this. The second aspect that I wanted to speak to you is about the hospital preparations. This period has been very gainfully utilized to review, assess, and ramp up the hospital capacities. And it is happening not just at Delhi, it is happening in the states, it is happening in the districts.
In fact, now our focus is districts. Of course, currently, as I speak today, our hospitals are not overwhelmed. But the preparation has to be of a much higher order, given some of the projections that we have, given some of the baseline data that we have, and given the fact that we have limitations in our health system somewhere which we need to correct and expand. And our effort has been, again, to use all resources and over-prepare. I will show you the figures in a while, but what is our first goal? As far as hospitalization is concerned, our first goal, हमारा पहला प्रयास ये है कि लोगों को अस्पताल ना आना पड़े. That is our first strong leg of strategy. How will that happen? अगर लोगों को अस्पताल नहीं लाना है, तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार-बार देश के समक्ष रखा है, distancing, social distancing, discipline, and taking care of the vulnerable. ये एक प्रमुख मुद्दा है कि जो इस जिसको इस संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो कोमोर्बिडिटी वाले बुजुर्ग हैं, जो 60 साल की उम्र के ऊपर हैं, उनको कोमोर्बिडिटी है, इस वर्ग को हमें सामाजिक रूप से सुनिश्चित करना है कि हम उसे सुरक्षित रखें. अनुशासन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करेंगे, जिस तरह से लॉकडाउन की पीरियड में हमने किया है, तो हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि कम से कम लोग अस्पताल तक पहुंचे. सो दिस इज आवर फर्स्ट गोल, दैट लेट अस रिड्यूस द नंबर्स हु नीड टू कम टू द हॉस्पिटल. द सेकेंड गोल इज फॉर एवरी पर्सन who needs to come to the hospital, we will put enough infrastructure, enough facilities in place so that he is treated well, cured and sent back. Our basic principle is test, cure and ensure that mortality is very low. So one of the things for those who need hospitalizations, we have worked out a strategy at the state and the district level. As I said, our focus is district, so that is where the entire action will happen. And every district in the country today, we've been interacting with all of them, are day and night working towards preparing that. And let me give you a glimpse of that. This is how our structure will look like. A patient comes to our COVID care center, assessment is made whether he needs to go up to a health center or he needs to be retained there, isolated, positive cases, non-positive cases, that triage will be there. So that is the point where it will be decided where do we take the patient. Isolation facility is the basic care that we are having. Then, if from there we need to carry someone to the second stage, ambulance services will be available to take him to the second stage, which is the dedicated COVID health center. The last two are actually hospital settings. The first could be a hospital setting, it could be a hotel, it could be a lodge, it could be a hostel, it could be anything. It's basically quarantine or isolation facility. But the last two are actually hospital settings. And the second setting that we are saying, where people with medical, clinical, moderate clinical symptoms will go, is a facility with oxygen. We've been talking for a long time on ICU care, ventilation, etc. But if you look at the patient profile today, the critical thing today is oxygen. And our entire hospital preparation now is focused on providing oxygen to those who need it, the patients who come to the hospital. So this second tier is very, very critical. Adhikansh logon ka ilaj yahin par hoga. Aur hum ye prayas karenge
उनको चिकित्सकीय सुविधा इस स्तर पे ऐसी दी जाए ऑक्सीजन के साथ कि इसी स्तर से वो ठीक होकर घर वापस आ सके। यदि इनमें से कुछ लोग ठीक नहीं होते हैं और उन्हें गहन चिकित्सा की आवश्यकता है, आईसीयू केयर की आवश्यकता है, तो उनको हम वैसे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में ले जाएंगे जहां आईसीयू केयर उपलब्ध हो। और आईसीयू केयर दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी स्टैंड लोन आईसीयू, इट कैन बी विद वेंटिलेटर्स, जिसको जैसी आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। तीनों स्टेज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम एक तरफ से दूसरी तरफ उनको ले जा पाएंगे। ये जो भी संरचना मैं बता रहा हूं, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज अ डेडिकेटेड कोविड स्ट्रक्चर, देयर इज नो मिक्सिंग। पेशेंट्स हु डू नॉट हैव कोविड एंड नीड रेगुलर मेडिकल केयर विल बी ट्रीटेड एट अदर फैसिलिटीज। और हम इस बात का बहुत ध्यान रख रहे हैं जिलों की तैयारी में कि उन पेशेंट्स को दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, क्योंकि उनको मेडिकल केयर की आवश्यकता है और उनको मेडिकल केयर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के बाहर दिया जाना है। तो आप यदि इसको देखें, जैसा मैंने कहा पिछले एक माह की हम बात कर रहे हैं, इन द लास्ट वन मंथ द नंबर ऑफ डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स इंक्रीज 3.5 टाइम्स एंड दिस बार्स विल शो यू दैट। And the number of isolation beds has increased by 3.6 times since last month. What I am trying to refer to is that we have used these 30 days to prepare and make sure that in the event we need to cater to more and more patients, we are ready. Yeh hamari tayyari hai, preparedness hai. Ab main is antim slide ko aap के सामने रखना चाहूंगा, जिसमें हम यह दिखाने के का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास अभी टोटल फैसिलिटीज हैं। कि मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये प्रतिदिन बदलता है, क्योंकि हर जिला निरंतर प्रयास कर रहा है और कितने बेड्स हैं वो बढ़ते जाते हैं और बेड जोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। तो जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं और कोविड केयर सेंटर्स हैं, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अभी हमारी स्थिति जो इसमें हमने दर्शाई है ये है 3,773 ऐसे अस्पताल या फैसिलिटी हैं जिसको इसके लिए चिन्हित किया गया है। और अगर आप देखें तो टोटल आइसोलेशन बेड्स 1,94,000 हैं, उसी तरह आईसीयू बेड्स हैं, टोटल वेंटिलेटर्स जो आज की स्थिति में उपलब्ध हैं। संभव है कि व्हेन वी असेस इट अगेन टुनाइट the numbers will change, it will increase. That is the effort that we keep on increasing this every day. So friends, what ultimately we want to do is that we want to create a structure where we test most people, treat them according to need, and then ensure that we are able to cure them and save lives. So this was the rough format of a strategy and preparedness that I thought we'll share with you. I will now request my colleague Professor Balram Bhargav and incidentally Professor Balram Bhargav and Professor Guleria are the two stalwarts who have led this strategy, who formed this strategy and who are leading from the front. And I would request Professor Balram Bhargav to talk about the expansion of testing. Thank you so much. I think as we reach the 500,000 mark of tests, our philosophy has been more labs, more tests, more resources. The beginning of the year, we had the National Institute of Virology. At the beginning of the lockdown, we had about 100 laboratories testing for COVID-19. And today, as we speak, we have 325 laboratories, both government and private, testing for COVID-19. The test that we have advocated has been the RT-PCR test, or the molecular test, or the PCR test, which detects the virus. So the strategy is to detect the virus and save lives. And once we are able to detect the virus, we are also able to further strategize
on how to we isolate the patient and treat accordingly. So that has been the philosophy as far as we are concerned. The entire scientific and the medical community has risen to this occasion, and as CK has already mentioned, that all the DBT institutes, the ICMR institutes, the CSIR, the DST, the DRDO, the ICAR, the state universities, medical colleges, government, private, they have all responded dramatically, and also the private sector has been energetic and has risen to the occasion dramatically as well. The other point that I want to emphasize is that there has been a supply chain which has been created, although there is a shortage of reagents, there is a shortage of RNA extraction kits, there is a shortage of VTMs, PCR kits, etc., in the entire world. But the center has been working with the states tirelessly to ensure that these reagents are supplied to the laboratories in a very timely fashion and in a very calibrated fashion, so as to enhance, divert certain reagents to hotspots, calibrate it in such a manner, and we really like to thank both the districts and the states who have responded phenomenally well in helping out with maintaining this supply chain very, very well. More importantly, we have also been able to decentralize it and create 15 depots in the whole country, wherein, in a situation of lockdown, we have been able to supply these reagents in those depots, and they in turn supply it to the various laboratories testing. So the gold standard remains and has remained the RT-PCR test, which detects the virus and saves lives, and that is what is our principle and strategy for testing. Thank you, Professor Bhargav. I must add that whatever efforts we are making, and we talk about resources available with us, we talk about the testing, we talk about hospitals, it is a collaborative effort with everyone joining in, the public, private, and whosoever is there in the country. This is all taken together. We are not mentioning them separately, but this is all taken together. And now I would request Professor Guleria to explain other aspects of the medical side of this disease. Thank you, sir. To begin with, first, on behalf of the medical fraternity, I would like to take this opportunity to thank the Honorable Prime Minister and the Government of India for the ordinance that has been passed yesterday, which will go a long way in providing security and boosting the morale of our frontline soldiers, that is the Corona Warriors. All healthcare workers are really very grateful for this ordinance, and I think this is a great boost as far as they are concerned. But as we sort of applaud our healthcare workers, it's also important to understand that the center of all of this is the patients, and they are currently facing a lot of challenges and stigma which is not justified. The majority of patients are actually becoming all right and coming out, and these are actually our symbols of victory. They are symbols of hope that they have had COVID-19 and have come out, and yet we have stigmatized them to a large extent, which is creating a huge problem. It's creating a panic, it's creating problem as far as society is concerned. These individuals, these patients, their families are having a huge hardship which are really unjustified. And not only that, it is actually causing increasing morbidity and mortality. Because of the stigma that is happening, many patients who have COVID-19 or have flu-like symptoms are not coming forward, not coming to healthcare facilities. And because of that, they are coming very late when they're really very breathless, and this is leading to higher mortality. Many of these patients can be saved by just one treatment, and that is by giving them oxygen. The simple thing to remember is that when these young individuals or these individuals have a pneumonia or they have a viral infection and their oxygen in the blood becomes low, it can lead to or trigger a number of other problems, whether it's cardiac, whether it's neurological, and therefore a strategy of having
more and more oxygen beds is based on this. 80% of individuals will have mild illness. The remaining 15% will become all right just with supportive care and oxygen therapy. Less than 5% will need ventilators or critical care. So therefore, it's important that we reach out to these patients who are right now scared to come out because of the panic and the stigma that we have attached, and thereby not getting proper treatment. So I think we need to work on this. I would appeal to everyone, whether it's the media, whether it's the lay public, that these are people who, for an unfortunate reason, have got the infection. Consider the stress and strain the whole family goes through. You're isolated for 14 days in a quarantine facility where you are seeing people who are wearing PPEs and treating you. You're not able to meet your family members for 14 days because you are in quarantine or you're in isolation. Besides, instead of sympathizing with these people, we have created an environment of fear and panic, which I think is really not justified. And we all need to work in trying to really look at these people as our symbol of hope and victory, rather than stigmatize them and start not accepting them in society. We have to work on this strategy, and I would like to appeal to everyone that we should look at how we can support the families and patients who have had COVID-19, who are suffering from COVID-19, and encourage more and more people to come out for testing. If you are tested early and reach the hospital early and treatment is started, it will save your life. If you don't come to the hospital and you have COVID-19 and you come in a state where you are gasping for breath, it will lead to higher mortality. Therefore, I think it's important that we encourage everyone to seek medical attention, get themselves tested. We have ramped up testing to a large extent. There is no shortage of testing, and we can thereby be able to support all these people who need to be tested. So I would really stress that we need to work on this. As far as treatment is concerned, a lot of new things are being done, but the primary treatment of COVID-19 is supportive treatment in more than 80% of patients, and oxygen therapy in around 15% of patients with other drugs. And a lot of drugs have been tried. We have now started in various centers using convalescent plasma, that is the blood of patients who have healed and become all right and antibodies in their blood. And I'm very heartened to see that a large number of individuals, patients who have become all right, have come forward and volunteered to donate their blood, which shows the commitment that our citizens have when it comes to fighting COVID-19. We're also looking at newer drugs. Hydroxychloroquine and azithromycin is already being looked at, and various other repurposed drugs which are already available in our country are also being looked at as treatment strategies. And newer drugs which are available or which are undergoing clinical trials are also being looked at as part of multicentric trials or international trials which the WHO is conducting. So there is hope as far as treatment is concerned, but I think at the end it's important to remember that this is still a disease which is not that serious. 90 to 95% of people recover, but if we have that stigma and we don't come forward, then we may land up in a situation where, because of our delay in treatment, we may have higher mortality. So that is, I think, a very, very important thing that we need to keep in mind. Thank you very much, sir. Sir, after the detailed briefing as well as our preparedness and the strategy, I'm thankful to all of the members here. But still, we can take one or two questions, sir, if the time permits. First is online question. What's happening with IMCT in Maharashtra? Is it okay? What's happening with IMCT in Maharashtra? What is IMCT assessment of Maharashtra? Has any team submitted the report? So, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जब हम किसी भी स्टेट में केस नोटिस करते हैं, तो स्टेट से कोलैबोरेटिव एफर्ट में हम लोग काम करते हैं। उसी के तहत ही एक सेंट्रल रैपिड रेस्पॉन्स टीम मुंबई भी गई, उसके साथ ही हमारी दो सेंट्रल टीम्स ऑलरेडी वहां पर काम कर रही हैं। एंड एज पार्ट ऑफ आर डिस्कशन विद द स्टेट, वी रियलाइज कि हम लोगों ने डिफरेंट सिनेरियोज आपस में डिस्कस किए,
उन सिनेरियोज को डिस्कस करते हुए कि किस टाइप की प्रिपरेटरी एक्टिविटी, बेस्ट केस सिनेरियो, एवरेज सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें कैसे प्रिपेयर रहना है, उसके तहत डिस्कशन करते हुए स्टेट के साथ मिलकर एक फील्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जो ऑनगोइंग एफर्ट्स उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। मिस्टर मृगांक प्रभाकर, सारा टीवी। सर, मेरा सवाल आईसीएमआर से है। अभी मैं ग्राफ देख रहा था और लीनियर ग्राफ की बात हुई है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से 1200-1400 लगभग पेशेंट आ रहे हैं। आपको लगता है कि 3 मई तक पीक आ जाएगा इंडिया के अंदर? ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है बताना कि 3 मई तक पीक आएगा कि कब पीक आएगा, मगर ये हम लोग का काफ़ी स्टेबल चल रहा है और जैसे कि बताया है कि 4.5% पॉजिटिविटी आ रही है, वही बिल्कुल स्ट्रेटी टाइप की लाइन चल रही है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम लोग कर्व को फ्लैटन कर पाए हैं, ये भी सोच सकते हैं, तो अभी इसमें कहना बड़ा मुश्किल है। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर नितेंद्र सिंह। सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो डॉक्टर गुलेरिया यहाँ पे हैं, बहुत लोगों का, देश के करोड़ों के एक क्वेश्चन है कि नॉन कोविड पेशेंट का क्या करें। बहुत से सीरियस मरीज आते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम, चाहे वो कैंसर की हो, डायबिटीज का हो, या फिर बहुत सारे ऐसे डिजीज बर्डन ऑलरेडी इंडिया में इतना है, तो वो क्या करें। सेकंड आईसीएमआर से क्वेश्चन है कि क्या वायरस एयर में है या उसकी किस तरह की बिहेव है, कितना डिस्टेंस पे लोग मेंटेन करें, ये नए तरीके से लोग जानना चाहते हैं कि इस पे थोड़ा एक्सप्लेन करा जाए। थैंक यू, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस कोविड के एरा में हमें नॉन कोविड पेशेंट को नहीं भूलना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है कि उनका पूरा ध्यान रखा जाए। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कैंसर है, जिनकी कीमोथेरेपी की बात है, डायलिसिस की ज़रूरत है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, तो ये प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा है कि जब हम कोविड पे फोकस कर रहे हैं और जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि नॉन कोविड फैसिलिटीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। कई हॉस्पिटल्स ने टेली कंसल्टेशन और शुरू कर दिया है जिससे हम लॉकडाउन के दौरान भी इन पेशेंट्स को रीच आउट कर सकें, उनको फ़ोन कर पाएँ और उनसे उनके सपोर्ट कर पाएँ। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो नॉन कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बने हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे लॉकडाउन के उठने के बाद भी, तो हमें ये दोनों चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी, कोविड सेंटर्स और नॉन कोविड सेंटर्स, जहाँ पे हम पूरी तरह से इन लोगों का केयर प्रोवाइड कर पाएँ और इन दोनों को मिक्स ना करें, जिससे जो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं या जिनको कोविड के रिस्क सिवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं वो अलग रहें और कोविड वाले जो हैं वो अलग से रहें। लेकिन ये आपकी बात सही है कि इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो नॉन कोविड हैं वो सफ़र ना करें, उनकी मोर्टैलिटी ना बढ़े। ये आपने जो कहा कि वायरस कितनी दूर तक रह सकता है, इसके लिए ये बहुत क्लियर माना जाता है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और 1 से 2 मीटर की दूरी रखनी चाहिए कि जिसमें ड्रॉपलेट ना आए। दैट इज़ स्टैंडर्ड एंड दैट इज़ व्हाट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको आप कह सकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।